नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। इस वक्त मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और बोर्ड एग्जाम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है पेपर लीक से जुड़ी हुई, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पेपर लीक से जुड़े मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर पेपर लीक किए जाते थे। इस मामले में बड़ी कार्रवाई भोपाल क्राइम ब्रांच ने की है। आपको बता दें कि पेपर लीक कांड में क्राइम ब्रांच ने आरोपी कौशिक दुबे को रायसेन से गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच ने 12th क्लास के पेपर वायरल करने वाले 4 शिक्षकों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के 46 केंद्र अध्यक्ष, 7 सहायक केंद्र अध्यक्ष, 5 शिक्षकों और एक दूसरे शख्स सहित 19 शिक्षकों को फिलहाल निलंबित किया गया है। एक व्यक्ति को जो है और कस्टडी में लिया गया है, बाकी जो है 2 और व्यक्ति हैं वो भी जो है एमपी के ही रहने वाले हैं। अभी मैं इन्वेस्टिगेशन के कारण उनकी सूचना नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए जो है टीम भेज दी गई। शिक्षा मंडल का भी कर्मचारी मिला होना पाया है इसमें? अभी कर्मचारी मिला हुआ नहीं पाया गया है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। पूरा का पूरा गैंग है जो किस तरीके से ऑपरेट। हाँ। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि पेपर मिला नहीं हुआ है जो आप कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि बाकायदा पेपर लीक हुआ है थाने से परीक्षा केंद्र के। वो एक दूसरा केस है, वो दूसरा केस है, वो हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं है। वो बेसिकली जो है उसको लेकर के अलग अलग जिलों में जो है FIR की गई है, वो हमसे रिलेटेड नहीं है। हमारे पास जो शिकायत आई थी उसमें ये शिकायत आई थी कि फर्जी टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, 10 से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, MP 10th एंड 12th फेक पेपर्स के नाम पे चल रहे हैं और वो जो है इस तरह से भ्रम फैलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, बच्चों से ठगी कर रहे हैं। 4 से 5 ग्रुप ऐसे जिसमें पेपर लीक साफ साफ लिखा हुआ है टेलीग्राम। हाँ, पेपर लीक लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि वो भ्रम फैलाने के लिए जाँच करें। वो मोनो जो है MP माध्यमिक शिक्षा मंडल का मोनो उन लोगों ने लगाया है इसको लेकर के। हमने 419, 420, 66C, 66D IT Act और फोर्जरी को लेकर के भी सेक्शंस आगे हम बढ़ा रहे हैं। इन आरोपियों के हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं। वहीं पेपर लीक मामले में कांग्रेस भी लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पे सामने आई। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लगातार माफिया राज बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहना है गोविंद सिंह का, एक बार आप भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से माफियाओं के हाथ में आ चुकी है, माफिया राज हो गया है। शिक्षा विभाग के 12वीं और 10वीं के करीब 20 लाख छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं, उनके भविष्य से शिक्षा विभाग खिलवाड़ कर रहा है पूरी तरह से। लगातार एक के बाद एक घोटाले शिक्षा विभाग में आ रहे हैं। ऐसे मंत्री जो जिसको अक्षम है, पूरी तरह से अयोग्य है, उसको शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि ये घोटालों का विभाग बन चुका है। यहां आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का भी बयान सामने आया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि पेपर रद्द नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो भी आरोपी होंगे उनको लगातार पुलिस तलाश रही है और पकड़ रही है, और इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि ये तमाम आरोपी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर जो छात्र हैं उनको पेपर दिया करते थे। आपको बता दें कि पेपर शुरू होने के आधे घंटे पहले क्वेश्चन पेपर्स का फोटो मोबाइल से खींचकर इन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर भेजा जाता था। वहीं इस पूरे मामले में तमाम जो आरोपी हैं उनके द्वारा छात्रों से पैसे भी लिए गए हैं। इस पूरे मामले में जो पुलिस ने जानकारी दी उसके मुताबिक 3 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी के शिकार भी छात्र हुए। लेकिन फिलहाल पेपर लीक का मामला गरमाया हुआ है। एक तरफ कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर है, वहीं पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई करती दिखाई दे रही है और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी है। खबर भोपाल से भेजिए सहयोगी इजहार हसन खान ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।